और हम लोग निकल रहे हैं पूजा की खरीदारी करने के लिए, बस उम्मीद करते हैं बारिश ना हो जाए। फाइनली भी पहुंच गए हैं मार्केट और यहाँ पर जो है सारी फल खरीद रहे हैं, ढेर सारा ऑप्शन है यहाँ पर। अभी जी आई हुई है जी लड्डू गोपाल का वस्त्र लेने के लिए, हम तो पीछे आराम से वेट कर रहे हैं। और कोई दूसरा डिजाइन नहीं है? डिजाइन यही है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज मौसम है बड़ा मस्त, बहुत है सुहावना और हम लोग निकल रहे हैं पूजा की खरीदारी करने के लिए, बस उम्मीद करते हैं बारिश ना हो जाए, क्योंकि बाहर बादल है और बादल जो है काफी देर से है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो यही उम्मीद करते हैं कि और भी बाकी देर तक बारिश नहीं हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे चला? 7 के लिए ले लो। नहीं है ये पपीता, देख लेना। फाइनली जी पहुंच गए हैं मार्केट और यहाँ पर जो है सारी फल खरीद रहे हैं, ढेर सारा ऑप्शन है यहाँ पर। हम लोग अपने साइड जो है नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा ऑप्शन कम मिल रहा होता है, और जिया को भी लेते आए हैं साथ ताकि फल सब अपना सेलेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम फल लेकर के जाते हैं कहती है सरा हुआ उठा करके लेते आए, अच्छा नहीं लाए। कितना फल है सब? 2 केजी ले लेगी खीरा। उधर जितना भी फल लेना था वह तो ले लिया, अब जितने कुछ ड्राई फ्रूट तो वही ले लेंगे, साथ में गमछा सब भी लेना था पूजा के लिए और भी कुछ कुछ पूजा का सामान, तो वो सब बाकी जाकर के आगे खरीदते हैं। रेड कलर है, रेड होगा, पिंक भी है, पिंक ले लो ना, पिंक भी है, नीचे वाला ले लो, ये भी अच्छा ले लो, हो गया छोड़ो। और कोई दूसरा डिजाइन नहीं है? डिजाइन यही है क्या भैया? और दिखाइए ना। अभी जी आई हुई है जी लड्डू गोपाल का वस्त्र लेने के लिए, हम तो पीछे आराम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का जब भी वस्त्र लेती है अच्छा खासा सिलेक्ट करके लेती है, जितना टाइम अपना ड्रेस लेने में लगाती है उतना ही टाइम लड्डू गोपाल का ड्रेस लेने में लगाती है। वो ग्रीन वाला जो बोले दिखाने के लिए, वो कलरफुल वाला, वो थोड़ा दिखा, एक छोटा भी दीजिएगा एक बड़ा भी दीजिएगा। कितना बड़ा होगा? छोटे के लिए नहीं, कर्ली वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला चाहिए। और कुछ लड्डू गोपाल का कपड़ा बहुत ढूंढने के बाद दुकान मिला। अच्छा, और हम जो है बगल में खड़े रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने ड्रेस का सिलेक्शन करती है उसमें समय लगता है, उसी तरह इसमें भी लगता है, इसलिए हम साइड में खड़े रहते हैं कि कब सिलेक्शन पूरा हो जाए। अच्छा, ड्रेस का क्या कॉस्ट है? लड्डू गोपाल की पोशाक की तो खरीदारी हो गई जी, आज दिया ले रही है, क्रियांश के लिए झुनझुना ले रही है, ये क्या हनुमान जी का गदा। The next day. कल जी मार्केट से आ गए थे सारी खरीदारी करके और अभी उठ गए हैं सुबह, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे। जी हाँ, आजकल सुबह हमारा जो है इसी टाइम होता है, कभी कभी उठ जाते हैं थोड़ा सवेरे सवेरे तो अलग बात होती है। ये अभी यहाँ पर उठ चुकी है और लग गई है पूजा के कामकाज पर। चलिए जी, यहाँ पर तो सारा फैला दिया है, बस ये दिक्कत इस बात की है कि जब ये सूख जाएगा तो उड़ ना जाएगा, क्योंकि यहाँ पंखा चला दिया है सूखने के लिए, बाहर है धूप तो बाहर तो इसको फैला नहीं सकते क्योंकि सूखने वाला है नहीं, तो पंखा से ये सूखेगा। बाकी जी आ गई है पूजा घर में, यहाँ कर रही है सारी साफ सफाई और यहाँ पर देख सकते हैं सारा फल सब है, तो सारा फल सब निकाल लिया गया है, बस खाली बचा हुआ मिठाई। लड्डू गोपाल के ड्रेस का कलेक्शन है, दिखा देते हैं आपको, तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा पगड़ी सब है, सारा एक पर एक है पगड़ी यहाँ पर, बहुत सारा छांट भी दिए जो पुराना हो गया था ना उसको हटा दिए, आज से सारे नए वस्त्र धारण करेंगे। हमें निकलना है जी मार्केट, बाकी कुछ और खरीदारी करना था जो कल हमने नहीं किया था, इससे पहले क्या करते हैं जल्दी से यह जो रूम है सारा बिखरा पड़ा है इन सबको साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो जी जल्दी से चलते हैं, बनाना शेक बना देते हैं आज, वैसे भी कोई खाना नहीं खाएगा, सिर्फ जो है फल के ऊपर सभी लोग रहेंगे, कुछ भी नमक नहीं खाना है जब तक घर में पूजा नहीं हो जाए। तो वहाँ पर सब कुछ तो तैयार पहले से था ही, लेकिन बीच में चली गई थी लाइट, तो इस वजह से जो है वह बन नहीं पाया, अब जल्दी से कर लेते हैं, लाइट आ चुकी है। और हम बाहर जा रहे हैं मोलू के यहाँ, तो वहाँ से सारा फूल सब लेकर जा रहे हैं। आप मामा के घर जा रहे हैं फूल लाने के लिए, आपको भी जाना है?
जाने आपको मामा के पास, नानी भी है वहाँ पे, नाना जी भी हैं, दो दो मामा है। बारिश अभी थोड़ी कम हुई है जी, तो निकलते हैं बाहर और वहाँ से जाकर के कुछ खरीदारी करते हैं। जो सब चीज रह गया था, ये हल्का बूंदाबांदी तो अभी भी चल रही है, लेकिन इतना चल सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। बारिश जो हुई है, कितना हरा भरा लग रहा है आसपास दोनों साइड, मस्त नजारा लग रहा है इस समय। अभी बज चुके हैं जी दिन के 11:15, और हमने कह रखा था, हमने नहीं जिया ने कह रखा था हमारे साले साहब मोलू को, फूल जो है किसी को तोड़ने मत देना, यहाँ फूल है तो आसपास के जो लोग हैं आकर के तोड़ लेते हैं। तो आज मना कर दिया था, हमने कह दिया था कि फूल जो है हमारे लिए बचा के रखना, पूजा में जरूरत होती है। उनके लिए भी हमने रखा हुआ है, कहा कि इस बार जो है फूल प्रॉपर रखना है, तो वो रखा हुआ है और थोड़ा डिले भी हो गया है हमें वहाँ जाने में। तो उम्मीद करते हैं फूल तो बचा हुआ होगा, क्योंकि सुबह सुबह तक फूल वैसे टूट जाता है। पहुँच गए जी मोलू के यहाँ, एक बार फोन कर देते हैं, या नहीं तो चलिए बाहर से ही पुकार लेते हैं। मोलू चलो फली से फूल तोड़ते हैं। फूल सब तो ले लिया जी, फूल जो है और भी अच्छे क्वांटिटी में आ सकता था, बस पास में कोई पॉलीथीन होता तो, लेकिन यहाँ पर पॉलीथीन जो है आप जानते हैं कि बैन हो चुका है, अब मिलता है नहीं मार्केट में। जितना हो सका एक झोला में उतना ले लिए और ठीक है, काफी है, इतना पूजा के लिए काम चल जाएगा। लेकिन मोलू कहा था आपको और भी दे देते इसे डबल, और साथ में लेना है आम का पल्लू और केला का पत्ता, तो वो सब भी ले लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं जी केला का पत्ता, और केला का पत्ता जो है यहाँ देख रहे हैं अच्छा खासा है केला का पेड़। तो मोलू तुमको पीछे बैठना पड़ेगा तब, अब चलना ये हो गया तो पकड़ते हैं। केला का पत्ता लगेगा, इसका ऊपर वाला काट देना पड़ता है। काफी लगता है हमको, तीन ठो ले लिया ना, एक ठो और ले लो, काफी है। थोड़ा पकड़ना होगा एक मुंह, दोनों हमको दोनों पकड़ने, आगे का मुंह काट के तब घर ले जाना। अच्छा लो कोई नहीं, ले लो देखते हैं। अभी आ गए हैं जी ऊपर, यहाँ से हम लोग तोड़ने वाले आम का पल्लो, आम का पल्लो हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग शायद पत्ता बोलते होंगे, तो वही लेना है, और साथ में लेना है आम का सूखा लकड़ी भी। तो वहाँ सूखा लकड़ी तो मिल गया है, लेकिन बस वही बारिश है जिसकी वजह से थोड़ा भींग गया है, लेकिन शायद काम चल जाना चाहिए। अरे काफ़ी है, और हवन के लिए जी चाहिए था आम का सूखी लकड़ी, तो यहाँ तो व्यवस्था हो गया है अच्छा खासा। हाँ आम का पल्लो भी, लेकिन बात बस यही है कि बारिश हो गई है तो उसमें यह भींग गया है, तो हम लोगों को भी ध्यान नहीं रहा, पहले बोल देते तो यह पहले से ही अंदर करके रखता। हो गया काफी है, काफी हो गया लकड़ी, हो गया आम का पल्लो, हो गया बेलपत्र, तो इतना सारा चीज ही बाइक पर ले जाना मुश्किल है, तो आप सोच रहे गाड़ी ही निकाल दिया जाए, तो गाड़ी वहाँ पर है ही, वहाँ से निकाल करके लाते हैं। फैमिली जी गाड़ी ले ली है, इसी में सारा कुछ रखते हैं। तो फाइनली जी गाड़ी तो निकाल लिए हैं और गाड़ी में सारा सामान रख लिया है, बस इंतजार कर रहे हैं मोलू के आने का, मोलू भी चल रहा है साथ में, तो मोलू जैसे ही आएगा फिर निकलते हैं आगे। तो यहाँ गोइठा का तो इंजाम हो गया जी, बस अब गोबर का चाहिए, पूजा में उसका भी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं गुहाल घर। वहाँ से फ्रेश गोबर और कहाँ मिलेगा, अभी ताजा। तो मोलू चढ़ा हुआ है जी ऊपर, वहाँ से ले रहा है बेलपत्र, और इतना सारा लगभग तोड़ चुका है और भी वहाँ की तोड़ रहा है, उतने तो चाहिए लेकिन तुम्ही को रखना पड़ेगा। क्या लड्डू होगा, लड्डू होगा दीजिएगा 5 किलो, या तो 1.25 किलो का 4 पैकेट। अच्छा बिल्कुल, आप लोग भी आ रहे हैं ब्लॉग में, देखता नहीं। तो ले लिया जी हमने यहाँ से मिठाई, और यहाँ पर जो है थोड़ा डिजिटल पेमेंट का इशू था, लेकिन रिक्वेस्ट किए तो वो मान गए। उसका पैकेट 500 ग्राम वाला, और 10 हो गया, कितना हुआ, 5.5। चलिए जी सारा सामान ले लिया, गमछा ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, जो भी प्रसाद का सामान था वह ले लिया, जो भी पूजा का था, गाड़ी उधर लगा करके रखे हैं, तो चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली जी घर पहुंच गए हैं और सारा सामान जो है ऊपर यहां पर रख दिया है, और अब जो है जल्दी से जाते हैं, फोर व्हीलर को पार्क कर देते हैं, वरना यहां पर जो है रास्ता जाम हो जाएगा।